नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने BPL TV का इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग दिखाई थी। इस बारी मैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स और 4K क्वालिटी को दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर को होम स्क्रीन पे टॉप में तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें एक है इनपुट, यहाँ पर चैनल्स, HDMI 1.2.3 और ऑडियो वीडियो का ऑप्शन है। पीछे चलते हैं और ये कनेक्शन का ऑप्शन है। ये नॉर्मली वाईफाई के कनेक्शन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, और उसके अलावा भी जो वाईफाई के थोड़े और टेक्निकल ऑप्शंस होते हैं वो सारे हैं मैनुअली कनेक्ट करने के लिए। अभी सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप नेटवर्क एंड इंटरनेट, उसके अलावा डिवाइस का नाम जो सिलेक्ट हो रखा है वो सब शो होगा। आप देख सकते हैं अकाउंट एंड साइन इन का ऑप्शन, ऐप्स, डिवाइस प्रेफरेंसेस जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले रिमोट एंड एसेसरीज दिखाता हूँ। इसमें आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइस शो करेंगे। मेरा एक रिमोट कनेक्टेड है ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो शो हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस प्रेफरेंस जो ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं अबाउट, डेट एंड टाइम, टाइमर, लैंग्वेज, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर अबाउट में आपको नॉर्मली सॉफ्टवेयर की डिटेल और डिवाइस की डिटेल्स शो होंगी, सारे वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन एंड ऑल, ये सब शो होगा। पीछे चलते हैं। नॉर्मली वही सारे ऑप्शन हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में भी दिख जाते हैं। इसमें जो ये स्टोरेज का ऑप्शन है, इसमें आप देखो तो टोटल स्पेस 4.6 GB है, हालांकि 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है, अवेलेबल सिर्फ 3.2 है। इनका सॉफ्टवेयर ही है जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है। एक व्यूअर की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको 4K क्वालिटी के कुछ वीडियोस दिखाऊंगा नेटफ्लिक्स पे। सॉरी, प्राइम वीडियो खुल गया, मैं नेटफ्लिक्स ओपन करके दिखाता हूँ। And don't get fooled by the talking points of politicians from Washington. Mr. Keeley, according to your, it's only $4. You're absolutely right. Of course, the treatment is $4. But it's funny how you... दूरदर्शन वाले लोग हैं, नेटफ्लिक्स की तरह लोगों ऐसे जगह में करके नहीं आता था, ठंडा चैनल था वो। पहले 5 मिनट तो वो चैनल खुद गर्म होता था, उसका लोगो आता था ना, वो दो मछलियां घूमती थी। तो देखा आपने कितनी बिंदास क्वालिटी है। अभी मैं आपको स्क्रीन मिरर करके दिखाता हूँ। ये AI पॉइंट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये मल्टी स्क्रीन शेयर का। यहाँ पर आप क्लिक करें और कोई भी आप अपने मोबाइल से वीडियोस नॉर्मली जैसे चलाते हैं स्क्रीन शेयर के ऑप्शन के थ्रू चला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर रखा है वीडियो, स्क्रीन मिरर का ऑप्शन मैंने क्लिक किया। ये वीडियोज़ पर यूट्यूब से चला रहा हूँ मैं, एंड्रॉयड TV सेलेक्ट किया और ये प्ले होगा। ये देखिए यहाँ से शुरू हो चुका है, मेरा डिवाइस लिंक हो चुका है और यहाँ पर स्टार्ट। आपको लाइट थोड़ी कम नज़र आ रही होगी वीडियो रिकॉर्डिंग में। एक्चुअली मेरा रूम थोड़ा डार्क में है, तो इसलिए मैंने बैक लाइट थोड़ी सी कम कर रखी है, आंखों को ना चुभे इसलिए।
देखिए आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो को, और इवन आप इसको ऑफ करके रख भी सकते हैं अपनी जेब में, तब भी ये चलता रहेगा नॉर्मली जैसे स्क्रीन शेयर होता है। और इसका व्यूइंग एंगल देखिए, आप 170 डिग्री तक जाते हैं फिर भी जो आपके कलर्स हैं वो वॉश आउट नहीं होते हैं। आप देखिए कितना क्लियर आ रहा है, ये खासियत है इसकी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं दोबारा से किसी ऐसे ही होम वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग, टेक केयर।